शर्मा जी ये बताइए, लड़कियों की मूछें क्यों नहीं होती हैं? लड़कियों की मूछें इसलिए नहीं होती कि मूछ वाले जब उनके चारों तरफ चक्कर लगाए तो उन्हें मूछ रखने की जरूरत क्या। शर्मा जी अगला सवाल है कि लंबे बाल जल्दी टूटते हैं और जल्दी उखड़ते भी हैं, लेकिन औरतों की अपेक्षा पुरुष जल्दी गंजे होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि पुरुषों के दिमाग में हर समय औरत ही रहती है। अगला सवाल है कि औरतों को खटाई और मर्द को मिठाई क्यों पसंद है? पुरुषों को मिठाई तभी पसंद होती है जब औरत खटाई खाने लग जाए। शर्मा जी एक सवाल बहुत चटपटा सा है कि आप पढ़ाई और पिटाई में क्या अंतर समझते हैं? जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी पिटाई नहीं होती, लेकिन यह हकीकत है कि जब पिटाई होती है तब वो पढ़ाई करने लग जाता है। शर्मा जी अगला सवाल है कि मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, शादी करने वालों से क्यों नहीं पूछी जाती? शादी करने वाले की तो इच्छा वैसे ही मर जाती है, क्यों जिंदगी भर उसे पत्नी की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। शर्मा जी अगला सवाल है कि घर से निकलते वक्त औरत आईना क्यों देखती है? औरत आईना इसलिए देखती है कि कहीं मैं वैसी तो नहीं लग रही जैसी मैं हूं। अच्छा, दुनिया का सबसे कठिन सवाल मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर औरत को मौन व्रत रखने को कहा जाए तो क्या होगा? औरत वरण व्रत तो रख सकती है लेकिन मौन व्रत कभी भी नहीं रख सकती। शर्मा जी तमाम सरकारें आती जाती हैं, लेकिन एक बात बताइए कि यदि सरकार औरतों पर कर्फ्यू लगा दे तो क्या होगा? औरतों पर कर्फ्यू लगा देगी ना सरकार तो पूरे देश की जनता उसका पोस्टमार्टम कर देगी। शर्मा जी अगला सवाल है कि रावण और दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए सगे संबंधियों की फौज थी, मगर आपके साथ कौन है? आजकल तो लड़ाई सगे संबंधियों से हो रही है। शर्मा जी अगला सवाल है कि बुजुर्गों ने कहा है कि किसी भी स्थान पर प्रतिदिन जाने से इज्जत घटती है, लेकिन स्कूल जाने से? स्कूल जाने से बेवकूफी घटती है। एक चेतावनी हो रही है कि सुरेंद्र शर्मा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुरेंद्र शर्मा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन मस्ती के लिए तो लाभदायक है। क्या बात है। अच्छा शर्मा जी ये बताइए, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में मास्टर जी मुर्गा बनाते थे, उल्लू क्यों नहीं? बच्चा उल्लू होता है तभी तो मुर्गा बनाते हैं।